अस्सलाम वालेकुम सर, आज हम एक क्या अपडेट दे रहे हैं सिटी हाउसिंग के बारे में। पहले तो सभी दोस्तों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलाम हो, अल्लाह ताला सब पे रहमत करे, सेहत तंदुरुस्ती दे। आज तूफान तो बिजी है और सभी दोस्तों को यही बताना चाह रहा हूँ कि आज मैं कल जल्दी में था तो इसलिए सही आपको इन्फॉर्म नहीं कर सका अपडेट के बारे में। आज मैं चाहता हूँ थोड़ा आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ, ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकूँ कि फर्दर क्या काम हो रहा है और क्या होने जा रहा है। यसर भाई, पहले इनको मेरे दोस्तों को पहले जीटी रोड दिखाइएगा। ये बिल्कुल हम जीटी रोड के पास खड़े हैं, यहाँ पे ये देखें कि वर्क हो रहा है। मशीनी जो है ना वो बजट डालने के लिए ट्रक आ चुके हैं, वो देखिएगा क्योंकि ये अब ये सब ग्रेट होने लगा है, ठीक है कि नहीं। और दूसरी बात ये कि मेरे पीछे देखेंगे तो बहुत सी मशीनें वर्क कर रही है इस बाइक, ठीक है। ये मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये यासर भाई इधर मारिएगा, ये दो लाइनें इसके अंदर बनेगी, ये डिवाइड किया जाएगा। और यासर भाई इधर मेरी तरफ देखिएगा, ये दोस्तों ये बनेगा 74 जो फीट चौड़ा होगा, इसकी दो लाइनें बनेगी क्रॉसिंग के लिए। आगे जैसे ये गेट खुल जाएगा, अंडरपास क्रॉस करेंगे तो ये 300 फुट का बुलेवार्ड बन जाएगा। ये आपको ये दिखाना चाह रहा था कि आज जो वर्क हो रहा है, ये ट्रक आ चुके हैं, अब ये बजट जो डालने के लिए तैयारी है, ये विद इन कुछ टाइम में 2 वीक के बाद आप देखेंगे इसमें ब्लैक टॉप जो है ना वो शुरू हो जाएगा और 1 मंथ के अंदर अंदर आपको ये रोड सारा क्लियर नज़र आ जाएगा। और आप देखेंगे तो ये वर्क बड़े इनको मशीनरी दिखाइएगा यासर भाई, ये देखें कि मशीनरी एक्टिव है, बजट डालना शुरू तो हो चुके हैं, बजरी जो है ना वो डाली जा रही है और कितनी गाड़ियाँ इस काम पर हो रही है। ये इंजीनियर जो रोड के ये लगे हुए हैं और ये रोड काफ़ी हद तक जो है चौड़ा किया जा रहा है और ये चीज़ जो है ना ये सबसे बेस है। और एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, वो आप थोड़े दिन में देखिएगा, इसके जैसे ही आफ्टर 1 मंथ इसकी लाइटें लग जाएंगी, ऑन हो जाएंगी, ये जीटी रोड के साथ बड़ा खूबसूरत एक व्यू जो है ना आपको नज़र आएगा। और जैसे हम गेट क्रॉस करेंगे, जहाँ पे इनका हेलीकॉप्टर डिज़ाइन का जो इनका गेट होगा वो शुरू हो जाएगा कुछ देर में, मैं उसके बारे में आपको अपडेट दूंगा। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, ये इंजॉय वाला मौसम है, लेकिन आपको अपडेट करने का मकसद ये है कि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की है आप इसको कैसे फ्यूचर में देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला आपको कितने उसमें बेनिफिट नज़र आएंगे। अपडेट देने का मकसद ये है कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है बहुत अच्छी बात है, वो भी खुश हो गए, जिन्होंने नहीं की वो एज सुन एज पॉसिबल इस गोल्डन चांस को मिस ना करें और अपने जितना भी सरमाया वो समझते हैं अफोर्ड कर सकते हैं। पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि पैसे पाकिस्तान में इस वक्त बहुत लोग जो है ना परेशान है, ये एक रियल सेक्टर ऐसा है और ये ब्रांड है सिटी खारियाँ, यह आपका पैसा ज़ाया नहीं जाएगा, इसमें आपको प्लस पॉइंट मिलेगा, ज़मीन जितनी पुरानी होगी उतना बेनिफिट मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग जिन लोगों ने फाइलें ली थी अब उनको आफ्टर मैंने कहा था कि 6 माह बाद 8 महीने में उनको पोजेशन मिल जाएगी। इस तरह ए बी के बाद ये थीम पार्क का मैं अभी अंदर जाऊंगा, मैं आपको थीम पार्क दिखाऊंगा कि थीम पार्क का काम कैसा हो रहा है और आपको पीछे भी लेके जाऊंगा, वहाँ भी दिखाऊंगा कि कितना वर्क हो रहा है और डेली मैं आपको अपडेट करूंगा। और दूसरी बात ये है कि मैंने परसों भी कहा था कोई ओवरसीज़ भाई जो मेरे प्यारे भाई हैं वहाँ बैठे हैं, रूमर बातों पर ना जाइएगा, फेसिंग पार्क के अलावा कॉर्नर के अलावा किसी किस्म के चार्जेस कंपनी की तरफ से नहीं है। कोई दोस्त कोई अहबाब कोई ऐसा बोले तो कंपनी नहीं ले रही, कंपनी बिल्कुल नहीं इसको टेक ओवर कर रही। मैं भी आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ कि किसी बंदे को एक्स्ट्रा चार्जेस मत दीजिए, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, लेकिन अगर चूजेबल प्लाट आता है तो उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। अभी जिन लोगों को चूजेबल प्लाट चाहिए वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ए बी अभी डी तक नंबर जो है ना वो प्रोवाइड नहीं किए जा रहे क्योंकि फिल हो चुके हैं, वैक्यूम उसमें नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमसे रबते में रहिए, हम आपको कोशिश करेंगे अच्छी लोकेशनों पे प्रोवाइड करें। अब आप थोड़ी देर में हम आपको आगे लेके चलते हैं और आगे की सूरत हाल में वर्क के मतलब बताते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी मैंने दोस्तों आपसे कहा था कि अंडरपास क्रॉस करने के बाद मैं उसके बारे में आपको अपडेट करना चाहूँगा। यासर साहब दिखाइएगा, ये देखिए ये कंटेनर बजरी जो है ना वो डाली जा रही है, मशीनरी बिल्कुल फुली जो है ना एक्शन में है। आप जैसे जैसे देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वर्क जो है ना अंडरपास पे हो रहा है। मैंने बाहर का हिस्सा दिखाया, अभी आपको इनसाइड मामला दिखा रहा हूँ। यासर साहब इनको दिखाइएगा, ये देख ले कि ये इनसाइड जो मामला है मशीनरी कितनी ऑपरेशनल है। और यासर साहब इनको ये भी दिखाइएगा, पीछे आइएगा मेरे, ये जो पीछे थीम पार्क है, ये जो पीछे है मेरे इस वक्त आप देख रहे हैं ये थीम पार्क है। ये थीम पार्क आप देख रहे हैं, जैसे इन्होंने मट्टी जो है ना बिल्कुल इन्होंने इनको बराबर कर दिया है और इसी तरीके से क्रॉस करेंगे। ये मेरे पीछे अंडरपास की आपको वर्क दिखा दिया है,
इसी तरीके से मैंने वो भी आपको वर्क दिखा दिया है, और इसी तरीके से मैं अभी आपको पीछे लेके जाऊंगा। कल कल जो मेरा मंडे वाले दिन आपको वी लॉग मैं दिखाऊंगा, वो इसके बाद ए बी के बाद जो वर्क हो जा रही है, ऑपरेशन हो रहा है, वो उसके बारे में आपको कहूँगा कि वहाँ पर कितनी मशीनरी है, क्या टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, और कहाँ तक हमारा जो है ना ये डेवलपमेंट का काम जारी है, कहाँ तक कब तक मुमकिन है कि ये वो सेक्टर भी जो ना पूरे तरीके से डेवलप करने के बाद आपके हैंड ओवर कर दी है। तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप काफ़ी इतना मेरे भाई हैं कि जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं की वो अपनी इन्वेस्टमेंट अभी कर सकते हैं, क्योंकि ये 12,500 किनाल का और 14,500 किनाल का पहला मैप आया है। इसलिए आप मेरे टाइम को गोल्डन जानिए, अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा और अच्छे तरीके से अर्निंग पे जाए। मैंने पूरा काम आपको दिखा दिया, मेरे पास विद इन मंथ में लाइटें लगने के बाद आपके हैंड ओवर कर दिया जाएगा, और मंडे वाले दिन आपको बड़ी और एक न्यूज़ के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।